चमचा लोग बोले थे, पर शिवानी की ढिंगा हम गए घर गए तो शिवानी हमें मिली, तो शिवानी कोई हमसे याद ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो चमचा लोग चाय बड़ा नूर में याद का भी जो हमारे तुम्हारे नजदीक बैठे थे कुछ नहीं काम फोकल बड़ा काम काम को। शिवानी मिली थी उसके बाद? हाँ शिवानी मिली, शिवानी के हम घर पे गए थे हो रही पे। अच्छा हाँ हो रही पे गए थे भाई, मुलाकात भाई थी। क्या कह रही थी शिवानी? क्या कह रही थी? मम्मा तुमने मेरे पहले ईंट मार दे तुम बाद में काम कुछ नहीं गलती होगी। अच्छा भाई मंदिर पे आता है हर चीज शिवानी आती है मंदिर पे? नहीं ये नहीं आती शिवानी नहीं है। अच्छा और मेरे पूरे परिवार बम्बई से पूरा परिवार दिव्या पोर हो रही है कानपुर का गई है आगरा शिवानी का नहीं आती वैसे भाई शिवानी। हाँ उस वीडियो में भी अपने ऐसी कोई बुराई नहीं करी थी जो लोग इतनी हाईलाइट बता रहे थे, लोगों ने इतना कमेंट किया, ऐसा भी अपन ने कुछ खास नहीं बोला था, आपने भी कुछ नहीं बोला। बोले तो हम घर पे सोचे तो रहे हमने कुछ ऐसा बोला ही नहीं उसमें, बोला ही नहीं है। फिर ऐसे लोग क्यों कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं ऐसा बोल दिया मामा के बारे में ऐसा बोल दिया कुछ नहीं काम काम फोकट बढ़ावे के मारे। हाँ फोकट बढ़ावे के मारे कर रहे हम और गलत बोल सकते अपना फोकट बढ़ावे के मारे। पर ऐसा हम तो ये कहना चाहते कि अम्मा के बारे में उल्टी सूधी बोल मेरी माँ ऐसी है, एक आदमी किया दो आदमी किया, मेरी माँ ऐसी है फलाना है ठिकाना है। हाँ। तो हमने एक दिन कही हमने क्या बेचती वाली बात सही कह बेचती है क्या यार बेचती गलत है सही बात सही बेचती हो जाती सही सही नहीं कह सकते बोला क्या तो बोलन तो दुनिया में सही बात कह दी उसमें बुरो माने चाहे भलो माने सही कह दी तो कह दी बुराई थोड़ी है। अब फिर रिपीट करो अगर क्या गूगल नाम चमचा तो निकाल देने तुम बता मैं कहां कोई हमारी बुराई कर रहा है निकाल कर रहा है बुराई अरे हमारी नहीं बुराई कर रहा है चमचा लोग तो कर रहे हैं बुराई लोग का दिक्कत है। ठीक पंडित जी रहेंगे जो सही बात बताएंगे सही कोई कोई यही नहीं याद की दुधाड़ी पारो लगाओ जब काम मुंह में कोई पारो नहीं लगाए मुंह है सबको कुछ कौन लगे याद नहीं कर रहा सही बात है। तो फिर बैठो बैठो देखो ऐसा देखो कि जब खाइए तो बजे बजाने पड़े चाहे कोई आदमी हवाओ खाए तो हवाओ बजाएंगे सही बात बुराई नहीं कर पाए मेरे सामने हम खड़े मेरे सामने तो बुराई नहीं कर पाए बिल्कुल सही बात हाँ, आपकी और पीठ पीछे और पीठ पीछे वो कल्लू ऐसा है रमेश भाई साहब फलाना है ठिकाना है बहुत वो करता है जो है वो ठगी करता है मंदिर पे आते लोग कहा गई है। हाँ। तो हम किसी ने लेते तो अरे कहा मंदिर बोलो रुपया दे हमने किसी पहली बार किसी देते नहीं है। अच्छा मैं मानु झा और आप देख रहे हो मानु के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी टाइम हो गया लगभग एक डेढ़ महीने से अब आ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिला इस वजह से अभी हम आए हैं वही मंदिर पे जो कि आपने देखा होगा। ये हमारा काफ़ी मतलब ये मंदिर के बाद में काफ़ी अच्छा वीडियो चला था ये वही मंदिर है और यहीं से हम आपको स्टार्ट करते हैं वही अंकल जी से मिलवाते हैं क्योंकि इनके साथ में एक वीडियो गया था लगभग वो 2-3 लाख व्यू आए थे उस पर तो उसी टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं और ये मंदिर है मिलवाते हैं हम वही अंकल जी से और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ऐसा वैसा वीडियो बनाया है तो चलिए हम उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो ये अंकल जी हैं आप लोग पहचान गए हो आप इधर को आ जाओ थोड़ा और अंदर तो यही अंकल जी के साथ में वीडियो बनाया था तो काफ़ी टाइम बाद दोबारा से हम यहाँ पे आए हैं तो अंकल जी से मिलते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भैया और कैसे हो आप? बस बढ़िया है दुआ है आप लोगों की सब बढ़िया अच्छे हैं। आपका वो वाला वीडियो तो बहुत अच्छा गया लगभग 3-4 लाख लोगों ने देखा वो 2.5-3 लोगों ने। हाँ तो अच्छा गया वो सभी लोगों ने हमने देखा सभी लोगों ने देखा ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा और उसके बाद कोई रिस्पांस वगैरह क्या हुआ कोई कुछ बोल रहा था क्या ऐसा कुछ? ना कोई कुछ बोल दुनिया है बोलती बोल रहा था कोई दिक्कत नहीं है। हाँ किसी गलत किसी बारे में बोलते नहीं खूब बोलती रहे कोई दिक्कत नहीं है सही बात और बोलेंगे तो सही बोलेंगे सही में किसी मिर्ची लगी तो लगे लगे तो लगे सही बात है यही बात है। देखिए इसी को टॉपिक को मतलब कवर करते हुए यही हमने पहले भी बताया था और उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था ऐसा कुछ मतलब कि आप कैसा बात कर रहे हो इस तरीके बोल रहे हो तो ऐसा भी कुछ नहीं है जो सही है वही को कवर किया है उसी के बारे में बताया जो हकीकत है तो हकीकत बताई हमने वो मैं कहा कि लोगों को बहुत सारी मिर्ची लगती रही हमने हकीकत बताई हम फिर यहाँ इसी हमें मालूम है तुम इधर गए हो तो हम इधर ही हमें सब मालूम कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है हमने सब बताई थी जो हकीकत थी। बिल्कुल सही बात देखिए अंकल जी ने क्या बोला है देखिए सही बताया ये अंकल जी ने क्या बताया जो मतलब आप तो बाहर के हो आप यहीं के रहने वाले हो तो इसी के हिसाब से जो रियल है वही बात बताई। आप कमेंट पे काफी लोग बोल रहे हैं और उस वीडियो के बाद काफी लोग भी आप लोगों से मिलने लगे। हाँ कुल लोग आए थे वीडियो बनाने आए थे एक लड़की आई थी का नाम रूबी नाम थी इधर फतेहपुर की दो लड़कियाँ आई थी। अच्छा और लोग जिन आए थे वीडियो बनाने नाम हम तो परिचित नहीं है मतलब जो हम नाम बता नहीं सकते नाम परिचय थी जो आए गए तो सबको सत्कार भैया सही बात ये है बस हम नाम नहीं किसी के नंबर नोट करें नाम पूछा कि तुम कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए अरे मिल पे आए तो भैया मिलो हाँ वीडियो बना के ले गए खूब वीडियो उन्हें बनाई बाहर की बनाई खेतन की बनाई बरसी नरसी में सब चारों तरफ वीडियो बनाई उनने
और तो आप सबको कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी जैसे लग रहा होगा? ना ना कोई परेशानी नहीं, कोई किसी से गिला नहीं है, हमें कोई गिला नहीं सका। शिवानी मिली थी उसके बाद? हाँ शिवानी मिली, शिवानी के हम घर पे गए थे होरी पे। अच्छा हाँ होरी पे गए थे, वही मुलाकात वही थी। क्या कह रही थी शिवानी? क्या कह रही थी? मम्मा तुमने मेरे पहले ईंट मार दी और तुम बाद में कहा कुछ नहीं, गलती होगी तो भाई जो चीज आती है तो कर गई अब गलती। और कोई कुछ बोल रहा था मामा, वो मिले थे श्रीकांत? हाँ श्रीकांत, मामा ने कुछ नहीं कहा। श्रीकांत तो अरे भाई चारों को ना, तो श्रीकांत तो हंस के बड़े प्यार से बात करी, तो कोई हम तो कुछ नहीं कहा श्रीकांत ने भाई। हाँ तो इसकी आप ही देख रेख रखते हो भैया? हमारा है तो देख रेख करो ही भरी। अच्छा इसके बारे में बताओ, और वो और वो राधा वगैरह कुछ बोल रही थी, राधा दीदी वगैरह? राधा का बोल रही बेचारी बहू गरीब है, बका बोले बेचारी का कि मजबूरी गलत खा दी, हम खूब काम करो मेरे संग मैंने खेतन भैया ने। अच्छा ये बताओ जैसे उनका देखिए ऐसा है, अभी तो उनकी जो झगड़ा है वो उनके साथ चल रहा था राधा का और शिवानी का। हाँ। अब राधा का और उनके लड़के के साथ चलना लगा झगड़ा जो है, घर की समस्याएं। हाँ, जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहते कि भाई अम्मा के बारे में उल्टी सूधी बोल, मेरी माँ ऐसी है। हाँ। एक आदमी किया, दो आदमी किया, मेरी माँ ऐसी है, फलाना है ठिकाना है। हाँ। तो हमने एक दिन कही, हमने कि तुमको यार इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारी आखिर माँ तो माँ होती है, माँ के बारे में नहीं ऐसा तुमको बोलना चाहिए। सही बात है। तो मार फिर एक दिन पूछे ना आए, पूछे ना आए, कई लोग संग में थे, तीन चार लोग पूछे ना आए, और बगल में पीछे समझ लगी वहाँ भी पूछने गए, भगत की लड़कियाँ थी तो उनसे पूछी कि भाई भाई अम्मा दिखाई थे यहाँ, फिर उल्टी सूधी गाली गलौज कर रहे उसके बारे में, कुछ उल्टी सूधी बोल रहे थे। हाँ तो गाली गाली दे रहे थे कि ऐसा है वैसा है, मेरी माँ ऐसी है। हमने कि यार ऐसी तुमको नहीं बोलना चाहिए, माँ तो माँ होती है, क्या कही है, और तुम इस तरीके तुम उल्टी सूधी बोल रहे हो। सही बात है। हाँ ये भी सही बात है, आपका कहना ठीक है, कहने का मतलब उसमें क्या सोनू गलत है उस मैटर में, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको करना ही नहीं चाहिए यार गागी। और फिर तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन अगर वो आगे बढ़ती है तो उससे तुम्हारा भी तुम्हारा सम्मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बताइए। हाँ। आप सहयोग करो, किसी का बुरा नहीं कर सको, भला नहीं कर सको, किसी का बुरा भी नहीं करो तुम। सही बात है। अच्छा और वो मामा की तबीयत ठीक हो गई, पता चला कि वो बीमार है मामा शिवानी के? अच्छा वो हाँ, अब हम उधर पे गए नहीं, आज देखो जाएंगे बाजार में, घर गाई गए हुए तो हम देखो पता लगे तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। अच्छा। तो उनसे मुलाकात करेंगे, अब होएगा 10-15 दिन से मुलाकात नहीं हुई भाई, याद तो है रोज डेली हमारा डेली काम जाना आना है, तो मुलाकात नहीं हुई भाई। भाई बोले तो हम घर पे सोचे तो सोचे रहे, हमने कुछ ऐसा बोला ही नहीं, उसमें बोला ही नहीं है। फिर ऐसे लोग क्यों कह रहे हैं बार बार, कह रहे हैं ऐसा बोल दिया मामा के बारे में, ऐसा बोल दिया कुछ नहीं, खान खान में फोकट बढ़ाए के मारे। हाँ फोकट बढ़ाए के मारे कर रहे, हम और गलत बोल सकते अपने फोकट बढ़ाए के मारे, और ऐसा हम क्यों किसी के बारे में गलत बोलेंगे यार, ऐसा नहीं। कमेंट भी लोग पढ़ रहे थे कि इनको पता करो ये कहाँ के हैं, क्या है, पुजारी है क्या? हमारे तो मंदिर में साहब लिखो लिस्ट टंगी है, देख ले बाहर आके रान वाले मेरे बोर्ड लिखो सामने, उसमें नंबर लिखा मेरा, बोर्ड में नंबर भी लिखा मेरा, मेरा नाम लिखा, मेरा नंबर लिखा उसमें, बिल्कुल पूरा पता लिखा, जिसको देखना हो नंबर से पता कर ले, पूरा नंबर लिखा पूरा मेरा उसमें। मंदिर पूरा परिवार बम्बई से, पूरा परिवार दिव्या पोर हो रही है कानपुर का गई है आगे, अब ये आना तो चाहिए अगले, अब उनको अब उन्हें नहीं मालूम है, नहीं उन्हें लोकेशन मालूम है जिनकी क्या गई है ना, हम तो भैया खाने वाले हो गए, कुछ कड़ गई हो तो कड़ गई, हमें कड़ गई तो कड़ गई, वैसे हम किसी क्यों बोले भैया उल्टी सूधी है कि नहीं, क्या इसमें क्या बेचती वाली बात सही कह, बेचती है क्या यार, सही बात बेचती हो सही, सही नहीं कह सकते तो बोलन तो दुनिया सही बात कहते हैं, इसमें कोई बुरा माना चाहिए, भला सही कह दी तो कह दी बुराई थोड़ी है। अब फिर मेरे पर रिपीट करो अगर मैं कल देना है तुम बता, मैं हमारी बुराई कर रहा है ना, हमारी नहीं बुराई, अरे हमारी नहीं बुराई कर रहे थे चमचा लोग तो कर रहे हैं बुराई, क्या दिक्कत है, बात नहीं की हम गए घर तुमने सुने चमचा लोग बोला थे, पर शिवानी की बिना हम गए घर गए थे, शिवानी हमें मिली तो शिवानी कोई हमसे याद आई ऐसी कोई बात ही नहीं की, अभी तो चमचा लोग घटाए बड़ा मूल मिर्च मिला था, जो जो हमारे बैठे थे कुछ नहीं काम ही फोकस बढ़ा काम काम को। हाँ सही बात जी है, कोई याद ऐसी कोई बात ही नहीं, हम क्यों किसी को बुरा बोले तुम्हें था, देखो कि जब खाइए तो बजाइयो बजाने पड़े, चाहे कोई आदमी हवाओ खाइए तो हवाओ बजाइए, सही बात बुराई नहीं कर पाए मेरे सामने, हम खड़े मेरे सामने भी बुराई नहीं कर पाए, बिल्कुल सही बात। हाँ आपकी पीठ पीछे और पीठ पीछे उकल्लू ऐसा है, रमेश ऐसा है, फलाना है ठिकाना है, बहुत वो करता है जो है वो ठगी करता है मंदिर पे आते लोग क्या कही है। हाँ। तो हम किसी अच्छा, ने तो अरकाज मंदिर बड़ों रुपया देते, हमने किसी पहली बात किसी देते नहीं है, हम तो केवल अर्जी लगाते हैं।